भारतीयों का आमतौर से नमक का सेवन ज़्यादा है, 9 to 12 grams एवरेज है। वैसे WHO का रिकमेंडेशन है कि 5 grams से नीचे हो तो बेहतर है। जी हाँ, अधिक मात्रा में नमक का सेवन उच्च रक्तचाप के खतरे को बढ़ाता है। नमक के अधिक सेवन के अलावा उच्च रक्तचाप की अन्य वजहें हैं मोटापा, धूम्रपान, तनाव, बढ़ती उम्र, मधुमेह, शारीरिक श्रम की कमी और शराब पीने की आदत। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह कोई लक्षण दिखाए बगैर किडनी, हृदय और रक्त धमनियों को क्षतिग्रस्त करता है। हाई ब्लड प्रेशर से आपको जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हैं, जैसे कि हार्ट अटैक होना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का होना, ये अधिक होता है। इसके अलावा जो ब्रेन के जो वाइटल ऑर्गन है उसमें स्ट्रोक का होना, इस्कीमिक हेमरेजिक, आइज़ के अंदर रेटिनोपैथी, हेमरेजिस का होना, और किडनीज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, किडनी खराब होने का शंका रहती है। उच्च रक्तचाप का मुख्य लक्षण सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, उल्टी आना, दिखाई देने में समस्या, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी और असामान्य दिल की धड़कन है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर लोग खान पान की आदतों और अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं तो उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। हमें अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित रखना चाहिए। उसके लिए हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट जिसमें कि नमक कम हो और जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा हो, वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, फैट की मात्रा कम हो, पर्टिकुलरली वनस्पति और सैचुरेटेड फैट्स की। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर तीसरा व्यक्ति उच्च रक्तचाप का शिकार है। भारत में हर साल होने वाली मौतों का करीब 10% इसी वजह से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत के 25 साल के ऊपर के करीब 23% पुरुष और 22% महिलाएं उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं। नितेंद्र सिंह, DD News, दिल्ली।